देखिए, हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि आंखें झुकाकर नहीं, आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट की और वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया जी। आप आंखें झुकाकर नहीं, बिल्कुल आंखों से आंखें मिलाकर बात करती हैं जी। और गंगू भाई भी जी। बताइए गंगू भाई कैसी हैं? गंगू भाई ही आंखें मिलाकर बात करती है, बाय द वे। मैं तो कभी कभी इधर उधर देखती हूँ। गंगू भाई कैसी है? मतलब मैं फिल्म की बात कर रही हूँ, क्योंकि गूगल सर्च सबने कर लिया है, सबने इन्फॉर्मेशन निकाली, लेकिन मैं आलिया भट्ट की जबानी जानना चाहती हूँ, कौन है गंगू भाई? तो ऑब्वियसली ये फिल्म एक इट्स उनकी जर्नी के बारे में है। एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टेंस में वो डाल दी जाती है, अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हर विशेज, और वो कैसे उस सर्कमस्टेंस को पावर और स्ट्रेंथ में बदल के एक एक्सेप्शनल औरत बन जाती है, और ख़ुद के लिए नहीं, लोगों के लिए, बाकी की औरतें के लिए, कमाटीपुरा की औरतें की, 4000 औरतें के लिए, कमाटीपुरा की बच्चों के लिए। एक फेमस सेइंग है कि वो 50 साल तक गंगूबाई की फ़ोटो कमाटीपुरा की औरतों की दीवार पे टंगी हुई थी। वो उस तरह से उनके ज़िंदगी पे उन्होंने इस तरह का इम्पैक्ट किया था, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए बात करती थी। तो मुझे एक अंडरडॉग स्टोरी में वैसे भी बहुत ही इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हर कोई कोई स्ट्रगल से गुजर रहा होता है। एवरीबडी नीड्स अ रीज़न टू बिल्ड एंड फाइंड सम स्ट्रेंथ। तो जब आप इस किस्म की फिल्म देखते हो, आपकी सिचुएशन जो भी हो, अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए होता है, वो स्ट्रेंथ मिलता है, ये मैं मानती हूँ। बिल्कुल। और वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो ट्रेलर में नज़र आ रही है। ज़बरदस्त, शुक्रिया। डेफिनेटली जिस तरह की तारीफ हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग तारीफ कर रहे हैं, आपके आसपास के भी लोगों ने तारीफ की होगी। कोई ऐसा शख्स या किसी का ऐसा रिएक्शन जो सच में आपको लगा कि इन्होंने बोल दिया, मतलब कि नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जिनके ओपिनियंस काफ़ी मायने रखते हैं मेरे लिए, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री में, फैमिली में, यू नो, ट्रेड जर्नलिस्ट एक्सेट्रा, जो काफ़ी सालों से सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर ट्रेड एनालिस्ट एक्सेट्रा। एक सॉर्ट ऑफ काम और पीस थोड़ा सा महसूस हो रहा है इस वक्त पे, कि जो भी है, रिस्पॉन्स यूनानिमस है। आप कह सकते हो कि कुछ इतना डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ व्हाट पीपल आर सेइंग, जो शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो दैट मेक्स यू फील अ लिटिल गुड, क्योंकि फिल्म्स के रिलीज़ के पहले नर्वसनेस तो मतलब माउंट एवरेस्ट को छू रही होती है। तो यही ट्रेलर देख के, यूनिट्स देख के, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, लोगों को समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, एक्सेट्रा। जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा है, इट्स मोर अबाउट द कैरेक्टर, कैरेक्टर को सेटअप किया है। टीज़र में एकदम अलग टोनैलिटी थी और ट्रेलर में एकदम अलग टोनैलिटी थी। तो सर कोशिश कर रहे, संजय सर कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा एक्सपीरियंस लोगों को दे के उनको एक प्रिडिक्टेबिलिटी ना दे, कि आप आओ बस थिएटर में, आप एंड एक्सपेक्ट एवरीथिंग। दोनों टोन्स, जो ट्रेलर दिख रहा है, आपकी उंगलियां हिलाने से लेकर ट्रेलर के एंड में हाथ जोड़ने तक का शॉट, कितनी मेहनत लगी है, कितनी तैयारी की है आलिया ने, दिन रात तैयारी की है? सपने में भी आपको गंगूबाई नजर आती थी? वो जो पीरियड है वो बिल्कुल, 2 साल के लिए हमने ये फिल्म शूट की थी, और दिन रात तो मतलब रात को ही तो हमने काम किया था, ज़्यादातर हमने नाइट शूट की, दिन में हम लोग सोते थे, पर घर जाके भी इतनी नींद नहीं आती थी, क्योंकि इतना चार्ज्ड और वायर्ड थी मैं। आप मान सकते हो कि एक इन अ वे जो भी ब्रेक हमको मिला था, एक रिजुविनेशन था, क्योंकि हमने दिसंबर में फिल्म शूटिंग शुरू की थी 2019 में, हमने मार्च तक शूटिंग की, फिर हमको 6 महीने घर पे बैठना था बिकॉज ऑफ कोविड, फिर सितंबर से लेके फिर से हमने मार्च तक शूटिंग की, फिर से घर पे बैठना था बिकॉज ऑफ कोविड। बट शूटिंग जब भी हम लोग शुरू करते थे तो रिलेंटलेस बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू बैक था, बैक टू बैक, और मतलब ऐसे कुछ हफ्तों के बाद तो समझ में नहीं आता था कि हम लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं। हार्डवर्क बहुत ही ज़्यादा था, एंड इट इज़ यू कैन से इन एवरी फिल्म, हर लोग, हर रोज़ सब लोग हार्डवर्क करते थे, पर इस फिल्म में पर्टिकुलरली, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट फिल्म थी, और इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेयल एंड प्रोजेक्शन ऑल्सो, हमने वक्त लेके इस फिल्म को शूट किया, डिस्कशंस चलते थे, ऐसे नहीं कि जल्दी हड़बड़ी में करना था, वक्त लेके हमने शूट किया। और मैं ये एक्चुअली अपने प्रोड्यूसर्स और यू नो जयंतीलाल भाई और संजय सर को मैं दाद दूंगी कि उन्होंने ये
इतने एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म को इतने पेशेंस और एक जेनरोसिटी के साथ शूट किया, पैसा लगा के माउंट किया, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आपने कहा जैसे ब्रेक ले लेके बिकॉज ऑफ कोविड शूटिंग हुई है, आमतौर पर जब कोई फिल्म शुरू होती है तो स्केड्यूल जो होते हैं उसके फटाफट निपट जाते हैं, फिल्म खत्म हो जाती है, पोस्ट प्रोडक्शन होता है, रिलीज हो जाती है। ऐसे में चूंकि इतना डिफिकल्ट किरदार, उसके लिए इतनी प्रिपरेशन, जब ब्रेक होता था तो तकलीफ होती थी बैक टू नॉर्मल आने में? नहीं, एक्साइटमेंट ज़्यादा होती थी, वो आपका वैल्यू बढ़ जाता है काम को लेकर, और एक ग्रेटफुलनेस भी होता है कि आपके पास अभी भी काम है और अभी भी काम कर रहे हो, तो एक अंडरस्टैंडिंग थी। और जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक एक अनसर्टेंटी थी कि ऑडियंस थिएटर में आएगी नहीं आएगी, तो फिर ऑल द मोर रीज़न आप जी जान लगा के काम करते थे ताकि प्रोडक्ट इतनी अच्छी बने कि ऑडियंस को थिएटर में आना ही पड़ेगा। जो वही हम कोशिश कर रहे हैं ट्रेलर के ज़रिए भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये थिएटर वाली फिल्म है। चूंकि रेफरेंस मतलब गंगूबाई की जो बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं, चाहे वो यंग टाइम का जो ट्रेलर में नज़र आ रहा है या फिर वो जो पॉलिटिशियन बनी है, रेफरेंस के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें थी जिन पर आपने यू नो काम किया और उस पर? बॉडी लैंग्वेज के लिए इतना रेफरेंस नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अपने वो दिमाग में लेकर एक कैरेक्टर को बना रही थी कि छत्ती वो ऐसे चलेगी या ऐसे करेगी, और बेसिकली ये है ना कि वो इट हैज़ टू बी एकदम ऑपोजिट कि मैं कैसे हूँ उसके ऑपोजिट तरीके से गंगूबाई को चलना है, तो वो चलते चलते हो गई। मुझे वो कुर्सी पर घूमते हुए जो लटकते हुए आप आई छन 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 साउंड के साथ, दैट्स रियली नाइस, वो बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा। एक्चुअली दैट्स आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट शॉट्स। सेम यार, चलिए। एक्चुअली वो मजे की बात ये, जब वो शॉट मैंने सेट पे भी दिया था, आई रिमेम्बर सर ए कैसे चल के आई है एंड ऑल, सो गॉट वेरी हैप्पी क्योंकि लाइक ये शान से आई है, दैट्स द थिंग। बट ही यूज्ड टू ऑलवेज से कि आप साड़ी पकड़ने का भी अंदाज है, एक चलने का भी अंदाज है कि आप खुल के चलो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जब ये लोग इस मोहल्ले में ऐसे जीते हैं एंड दे हैव कम टू सच अ पॉइंट कि कुछ बॉडी को लेकर ये कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो खुल के रहते हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ शो ऑफ कर रहे हैं या कुछ, पर वो नॉर्मल है, कुछ ऐसे क्या बोलते हैं उसको, डेकोरम नहीं है कि ऐसे बैठेंगे, ऐसे बात करेंगे, ऐसे करेंगे, नहीं, वो सब नहीं है उनका, थोड़ा सा देयर लाइक फ्री। तो वो फ्रीनेस से अगर आप चलोगे, बैठोगे, बात करोगे, तो उसमें कुछ और ही मज़ा है। बिल्कुल, और वो मज़ा फील भी हो रहा है। मेरा जो सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किशन जलीला भंसाली, उनके साथ किस तरह से कनेक्शन हुआ? डेफिनेटली आपका फिल्म में आना, ही इज़ लाइक उनकी जो फिल्में होती हैं, जिस तरह की पोर्ट्रे होती है, ऐसे लगती है कि आप पेंटिंग्स देख रहे हैं हर एक शॉट पर, आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, सेट्स बड़े बड़े होते हैं। कैसे हुआ जब पॉल आया, कैसे आप तैयार हुई, कितनी खुश थी? बहुत ही खुश थी। जैसे कि आपने कहा, उनकी फिल्में पेंटिंग की तरह होती है, और इट्स नॉट विदाउट रीज़न कि वो पेंटिंग की तरह होती है, क्योंकि वो बहुत इमोशन और पर्पस लगाते हैं एक शॉट के पीछे, ये है, ये इस वजह से है, और ये कलर भी इस वजह से वो पॉप होगा, फिर ये ब्लेंड होगा, फिर ये करेक्ट हुआ। वो नेचुरल एक गिफ्ट है उनमें, और जो वो समझते हैं फ्रेम को। मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहती थी, और मुझे ऐसा कभी लाइफ में शायद मैंने ये नहीं समझा होगा कि मैं एक इस तरह का किरदार निभाऊंगी उनके साथ जो सिर्फ मेरे ऊपर बेस्ड है। वो कभी हुआ ही नहीं है, यू नो, इट्स नॉट लाइक कोई भी मैं एकदम कुछ रैंडम पार्ट कर रही हूँ या छोटा पार्ट कर रही हूँ, इट्स अ फुल इन एंड एज। तो वो एक अलग किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो जेल अगर नहीं होता, आई वुड हैव बीन सो हार्ट ब्रोकन, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनको डिसअपॉइंट किया, पर आई फेल्ट कि वो जेल एकदम पहले दिन से ही हो गया। हम दोनों एक्चुअली नंबर सिक्स है, उनका बर्थडे 24 फरवरी को है, मेरा 15 मार्च को है, तो दोनों नंबर सिक्स, दोनों पाइसियन, और मैं ये सब इन सब में बहुत मानती हूँ। तो मैं ये मैं भी मानती हूँ कि ये साल भी नंबर सिक्स है, 2022। अपना सारे जो नंबर्स कभी कभी होते हैं ना, वी ऑलवेज कैलकुलेट कि ये सब नेचुरली नंबर सिक्स पे आ रहा है। इवन आर रिलीज डेट एड्स अप टू नंबर सिक्स। यस, दैट्स गुड। होप कि ये नंबर सिक्स हमारे लिए चले। मतलब संजय लीला भंसाली मतलब एकदम स्ट्रिक्ट थे आपके साथ या बहुत लीनियंट थे या बड़े प्यार से थे? पर तो स्कूल में हम लोग नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं, क्रिएटिव है, स्ट्रिक्ट वगैरह बनना जरूरी नहीं है।
और लीनियंसी भी क्या होता है, ही वॉज वेरी लविंग, वेरी वेरी केयरिंग. उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मैं खुशी खुशी सेट पे आके काम करूँ. अगर मेरा थोड़ा सा भी बैक की एक नी है कि एक पेन, ही नो यू सिट एट होम, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में वो स्पार्कल चाहिए. वो स्पार्कल अगर मुझे मुझ तक नहीं पहुँचेगा तो इतने सेंसिटिव है अपने एक्टर्स को लेकर. जी डेफिनेटली वो ही डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग लेस देन 10,000%. अगर आप उतना भी कम दोगे तो नहीं, उनके लिए नहीं जमेगा, क्योंकि उनको पता है आपका पोटेंशियल क्या है. एंड दैट्स वॉट ही वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स द अटमोस्ट पोटेंशियल. उनको शॉर्टकट पसंद नहीं, उन्होंने शॉर्टकट तरीके से अपने करियर नहीं बनाया है. ही इज़ वर्कड हिज एवरी डे, हिज हॉलीडेज, हिज बर्थडेज, हिज ये वो, ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट द फिल्म कॉन्स्टेंटली, दिस थिंग कॉन्स्टेंटली ये. इनफैक्ट ये उस टाइम पे एक मोमेंट था कि उनको नेशनल अवार्ड मिल रहा था और हमको फोर्स करना था कि सर जाके अपना नेशनल अवार्ड लीजिए, शूटिंग एक दिन के लिए बंद हो सकती है. ही वॉज सो गिल्टी कि मैं शूटिंग कैसे रुक सकता हूँ, एक्सेट्रा. क्योंकि और जब वो उनका बैक एक भी था, आई रिमेंबर बहुत बुरी तरह से, ही वॉज नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड ऑल्सो, ही वॉज, ही डिडंट गिव अप, ही सेड नहीं मैं शूट करूँगा. दैट्स अनदर एनर्जी, अनदर पावर. तो उनका पैशन अपनी मूवी को लेकर ऑन नेक्स्ट लेवल. तो बिल्कुल, जब इतना डेडिकेशन हम देखते हैं कि सामने वाला हमारे लिए कर रहा है, तो हमें भी मतलब 100% वो आपके अंदर से नेचुरली आता है. अच्छा आलिया, डेफिनेटली आपकी जो एक्टिंग है वो नज़र आ रही है, जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी, दमदार डायलॉग्स हैं. जब ये डायलॉग स्क्रिप्ट्स के साथ आते थे तो यू नो दिमाग में बन जाता होगा ग्राफ, अच्छा इसको किस तरह से बोलना है, क्या है. स्क्रिप्ट कहाँ आता था, हम तो सेट पे जाके ही डायलॉग्स बनाते थे और फिर जाके काम करते थे. स्क्रिप्ट इज जस्ट ब्लूप्रिंट. जस्ट सेट पे जाते थे, सीन्स के अलग अलग वर्जन्स होते थे, हम लोग डिस्कस करते थे, तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है, ये वो करके करके एक वर्जन बनता था. मैं जाके रेडी होती थी, फिर एक और वर्जन आता था थोड़े से चेंजेस के साथ, फिर जाके हम लोग शूट करते थे. तो वो प्रोसेस हमेशा कुछ नया, अनप्रेडिक्टेबल. दैट वाज द मोस्ट इन्जॉयबल फॉर मी, कि कभी कुछ ये नहीं होता था कि हम लोग सेट पे जाके आज यही कर रहे हैं, नहीं, सब साथ में बैठ के डिस्कस करते थे, टेक्नीशियंस, एक्टर्स, हूएवर इज इन द सीन, फिर ब्लॉकिंग, ये वो, और वो एक्सप्लोरेशन ही कुछ और था. बिल्कुल. लेकिन डायलॉग्स की बहुत तारीफ हो रही है, आप जो बोल रही हैं जिस स्टाइल से बोल रही हैं. जी वो, आई मीन आई कांट टेक एनी क्रेडिट फॉर दैट, वो सब हमारे डायलॉग्स जिन्होंने लिखा है, प्रकाश भाई इतनी खूबसूरती से उन्होंने लिखा है, वो भी सेट पे आते थे, यू नो, एंड एक ऑलमोस्ट एक इट बिकेम लाइक अ बुफे, कि ये भी है, वो भी है, वो भी, टू पिक एंड चूज, कि ये भी बोल सकते हैं. बट बेसिकली पॉइंट ये थे कि कैरेक्टर जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर रही है, वो सर के विजन में हमेशा था कि नहीं ये नहीं चलेगा पर ये चलेगा, पर हाँ, पर दिस दैट. सो ही ऑलवेज हैड दैट विजन कि वो जो ऑथेंटिसिटी से वो कम्युनिकेट करेगी वो पहुंचना चाहिए. डायलॉग तो बस एक जरिया है, पर वो एक फीलिंग पहुंचनी चाहिए. लोग ऐसे नाम के लिए डायलॉगबाजी नहीं कर रहे, उसको एक्चुअली फील होता है. बिल्कुल. आपकी जो यू नो स्टाइलिंग है, खासतौर पर आपकी बिंदी की भी चर्चा है बड़ी सी बिंदी तो हमारी टाइटल में भी है. हाँ जी. तो ये बिंदी जब लगाई गई पहली बार आलिया को, तो यू नो अपने लुक के साथ रिएक्शन. आई डोंट नो, आई फॉरगॉट इन दैट मोमेंट, बट सर के हमेशा दिमाग में ये था कि एक बड़ा सा बिंदी होगा, और एज के साथ वो बिंदी बड़ा 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 होता जाता है. फिल्म में आपके फिल्म के दौरान भी देखेंगे. आई थिंक डेफिनेटली वॉज अ न्यू फेस, पर नया फेस अच्छा होता है ना, तो आप एसोसिएट नहीं करोगे आलिया के साथ, आप ये समझो कि ये गंगूबाई ही है. बिल्कुल. क्योंकि जो स्टाइल हम देख रहे हैं गंगूबाई का, वाइट साड़ी है, डार्क मरून लिपस्टिक है, बिंदी है, कभी गजरा लगा रही है, कभी वो क्या बटुआ, छोटा सा बटुआ लेकर चल रही है. स्टाइलिंग पर किस तरह का काम हुआ, जब ये अवतार आप पहनती थी तो एकदम गंगूबाई स्टाइल में जाती थी, यू नो आलिया भट्ट एकदम प्यारी सी, बिल्कुल बबली सी है. कॉस्ट्यूम्स शीतल ने किया है, उन्होंने बहुत सारी फिल्में की है, एंड दिस इज आई थिंक वन ऑफ हिज फाइनेस्ट वर्क्स इफ आई मे से सो. अगेन वाइट साड़ी, इतने सारे वाइट साड़ीज मैंने पहने हैं, क्योंकि वो गंगू का स्पेशलिटी है. क्यों है आपको फिल्म में पता चलेगा, बट एवरी टाइम देयर वाज अ न्यू वाइट साड़ी, और आपको उस वाइट साड़ी को हमेशा कैसे अलग करना, कब लाल रोज़ लगाना, कब वाइट रोज़ लगाना, रोज़ यहाँ पे लगाना है कि यहाँ पे लगाना है, फिर कौन सा नेकलेस पहनना है, कौन सा. तो हाँ, उसमें वो पावर है, स्ट्रेंथ है, ऑलमोस्ट अल्फा लाइक, जैसे वो बात करती है, आप ऐसे मर्दों वाली आप बोल सकते हो, पर वो फेमिनिन है, तो उसमें दोनों क्वालिटीज़ है. वो सज धज की भी आती है, उसमें स्टाइल भी, अंदाज भी है, एक लर भी है, अरेस्टिंग होनी चाहिए पर्सनैलिटी.
इसी वजह से वो इतनी पॉपुलर बन गई, इसी वजह से वो इतनी पावरफुल बन गई. तो हमको वो सब एक्सप्लोर करना था एंड आई थिंक एवरीबडी हैड अ लॉट ऑफ फन डूइंग दैट. झलक देखिए, हमने आपने किसी को मार रही हैं पीछे गालियां देके, तो क्या फिल्म के बहुत सारे एक्शन सीन्स नजर आएंगे? वो आपको फिल्म देखना पड़ेगा. अच्छा आलिया, एक्टिंग तो आपकी ज़बरदस्त लग रही है ट्रेलर देखकर, लेकिन जैसे हमने पद्मावत देखी थी वहाँ पर एक गाना दीपिका के ऊपर फिल्माया गया था, उन्होंने झूमर किया था, ऐसा कोई सॉन्ग जिस पर आप डांस करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल. आप ऐसे मानोगे कि संजय लीला बंसाली की फिल्मों में गाना ही नहीं है जिस पर आप डांस करेंगे? जी बट फिर भी अगेन आपको कुछ अलग ही एक्सपेक्ट करने का मौका मिलेगा. इट्स नॉट जैसे कि संजय सर ने ट्रेलर और टीजर में ही पहले ही दिखाया है कि इट्स नॉट व्हाट यू हैव सीन हिम आल्सो डू बिफोर. वो ये इनके लिए भी अलग है. तो हाँ, गाने डेफिनेटली है, पर अभी किस तरह का गाना है वो. मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मुझे आपके फिल्मों के अलग अलग किरदार नज़र आ रहे हैं और आज मुझे एक अलग रूप में आलिया नज़र आ रही हैं. आलिया मुझे बताइए कि इस फिल्म के बाद आपके साथ कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा रहेगी, जिसको आप कभी अपने साथ हमेशा रखेंगी, चाहे क्वालिटीज़ हो, चाहे कोई बात हो, कोई जो आपने टीचिंग्स ली हैं या समझा है या ऐसी कोई चीज़ जो हमेशा रखेंगी? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आई थिंक एक चीज़ डेफिनेटली है कि एक सेल्फ स्ट्रेंथ और अंदर का जो एक पावर होता है वो स्ट्रगल के बाद ही जनरेट होता है. तो स्ट्रगल से इतना निराश ना हो जी, स्ट्रगल को अपने अंदर की पावर को जगाता है. तो पावर को समझो एज अपोज टू लेटिंग द स्ट्रगल ब्रिंग यू डाउन. ओके, जाते जाते आलिया कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से? नहीं, मैं यही कहूँगी प्लीज़ जाके फिल्म देखिए 25 फरवरी को, फरवरी से क्योंकि फिल्म चलेगी और आप जाके अगर एक दो बार चार बार भी देखोगे तो अच्छा होगा. चलिए, उम्मीद करते हैं कि लोग जाएं और फिल्म देखें. अच्छा, इंडस्ट्री से आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके सर्कल हैं, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक फोटो भी दिखाई, गैंगस्टर गंगू और इस तरह के जो कमेंट्स दे रहे हो, उस पर किस तरह का रिएक्शन है आपका? अरे अच्छा ही. आई मीन इट्स ऑलवेज लवली व्हेन यू गेट दैट सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम यू नो योर पीयर्स एंड योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स. और आई थिंक सब लोग फिल्मों को लेकर ही काफ़ी लाइक फिंगर्स क्रॉस्ड एट द मोमेंट सब लोग चाहते हैं कि लोग थिएटर में जाके फिल्में देखें ताकि हम थिएटर की जो शान है उसको वापस लाए. दो साल हम लोग घर पे बैठे थे, तो आई थिंक एवरीबडी इज़ वेटिंग एंड वॉचिंग. पापा की परी अब बहुत यू नो स्ट्रॉन्ग और मैच्योर्ड हो गई है, राइट? आई होप. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया. छत्रपतींचा विचार म्हणजे